हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोमिक। तो गाइज, जैसे कि आप लोग को पता है कि प्रीव्यू का जैसा वीडियो अभी इंस्टाग्राम रील्स पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे आप भी अपने पसंद का फोटो से प्रीव्यू का जैसा वीडियो बना पाओगे। तो गाइज, जरूर वीडियो को पूरा देख लेना, और गाइज वीडियो पूरा देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज इस तरह के न्यू ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल इस चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो गाइस चलिए बिना देरी करते हुए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, प्रीव्यू का जैसा वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को भी इन ऐप का जरूरत पड़ेगा। अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो आप लोग इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। देन ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को नीचे प्लस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन गाइस, यहां पर आप लोगों को एक वीडियो को सिलेक्ट करना है। तो इस वीडियो का डाउनलोड लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड करके आप पहले वीडियो को सिलेक्ट कर लेना। तो वीडियो सिलेक्ट हो जाने के बाद आप लोगों को ऊपर में यहाँ पे वीडियो के बगल में फोटो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन आप जिसका फोटो से इस वीडियो को क्रिएट करना चाहते हो सिंपली उसका 10 फोटोज के पे सिलेक्ट करना है। और गाइस, यहाँ पे मैं जो फोटो यूज कर रहा हूँ, अगर आप लोग इसको लेना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाना, और आप लोग बहुत ही आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस चलिए फटाफट 10 फोटोज के पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सारे फोटो सिलेक्ट हो जाने के बाद नीचे एरो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इधर से आप लोगों को यहाँ पे ऐड कर लेना है। देन आप लोगों को एकदम लास्ट पे जाना है, नीचे ब्लैक कलर लेयर के ऊपर क्लिक करके इधर से इसको डिलीट करके फिर से फर्स्ट पोजीशन पर आ जाना है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक सॉन्ग को ऐड करना है, तो सॉन्ग को पहले डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। देन यहाँ पे इसको ऐड करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नीचे म्यूजिक ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। देन यहाँ से माई म्यूजिक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इधर से डाउनलोड किए हुए सॉन्ग के बगल में यूज ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। देन नीचे म्यूजिक बीट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इस सॉन्ग के ऊपर आप लोगों को टोटल 10 बिटमैप को ऐड करना है। कहाँ पे ऐड करना है आप लोग साइड पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे टाइमर दे रखा है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, फर्स्ट टाइमर 5.60 सेकंड पर ऐड करना है। तो यहाँ पे उस टाइमर को फॉलो करके इस तरह से खींच करके पहले फर्स्ट टाइमर के ऊपर आ जाना। तो फर्स्ट टाइमर के ऊपर आ जाने के बाद नीचे रेड कलर फ्लैग के ऊपर क्लिक करोगे तो बिटमार्क ऐड हो जाएगा। फिर से आप लोगों को नेक्स्ट टाइमर के ऊपर जाना है, फिर से नीचे फ्लैग के ऊपर क्लिक करके बिटमार्क को ऐड करना है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग एक एक करके सारे बिटमार्क को ऐड कर लीजिए। तो गाइस मैं आप लोगों को जल्दी से करके दिखा देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो सारे बिटमार्क ऐड हो जाने के बाद आप लोगों को नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, फिर से नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये सॉन्ग यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देन आप लोगों को खिसका के बिटमार्क की तरफ आ जाना है, नीचे टू फिंगर से थोड़ा सा जूम करना है ताकि आप लोगों को सारे वीडियो और फोटो अच्छी तरह से दिखने को मिले। देन आप लोग यहाँ पे ऊपर में सेकंड बिटमार्क के ऊपर क्लिक करना है। देन नीचे जो फर्स्ट फोटो है इसके ऊपर क्लिक करके इसका ड्यूरेशन क्रॉप करना है बिटमार्क तक। फिर से आप लोगों को नेक्स्ट बिटमार्क के ऊपर क्लिक करना है, नीचे जो नेक्स्ट फोटो है इसके ऊपर क्लिक करके इसका भी ड्यूरेशन क्रॉप करना है बिटमार्क तक। इस तरह से आप लोगों को सारे बिटमार्क के ऊपर जाके नीचे जो फोटो है उसको बिटमार्क के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, जैसे कि मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आप लोग सारे फोटो को एडजस्ट कर लेना, मैं आप लोगों को जल्द से करके दिखा देता हूँ। तो सारे फोटो को एडजस्ट करने के बाद लास्ट पर जो फोटो है इसका ड्यूरेशन जितना दूर सॉन्ग है उतना दूर करके इधर से डन करके फिर से फर्स्ट पोजीशन पर आ जाइए। अब यहाँ पे कोई भी एक फोटो के ऊपर आ जाइए, नीचे फर्स्ट पे फिल्टर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके ऊपर में एडजस्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। देन यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, थोड़ा सा खिसका के यहाँ पे विग्निटी ऑप्शन के ऊपर आ जाना है। नीचे विग्निटी को एकदम प्लस 100 करके नीचे बीच पे जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है, तो सारे फोटोज के ऊपर एक डार्क इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो फर्स्ट वीडियो के ऊपर भी ये ऐड हो जाएगा, तो इसके ऊपर से हटाने के पहले वीडियो के ऊपर आ जाइए, नीचे फिर से फिल्टर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे विग्निटी को 0 कर लीजिए। देन नीचे सिर्फ राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके बैक कर दीजिए, तो इस वीडियो के ऊपर जो विग्निटी इफेक्ट था हट जाएगा लेकिन फोटोज के ऊपर रह जाएगा। इस तरह से आप लोगों को एडजस्ट कर लेना है। देन आप लोगों को यहाँ पे फोटोज के ऊपर इफेक्ट को लगाना है, तो कोई भी एक फोटो के ऊपर आ जाइए, नीचे थर्ड नंबर पे इफेक्ट्स ऑप्शन के ऊपर क्लिक करिए। तो पहले आप लोगों को फोटो को खींचकर के फर्स्ट पे ले आना है, नीचे आप लोगों को बहुत सारा इफेक्ट मिलेगा, आप चाहो तो अपने पसंद का कोई भी इफेक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जिटर आपको ऐड करना सही रहेगा, तो यहाँ पे जिटर आपको सिलेक्ट करना है। देन इसका जो ड्यूरेशन है इसको खींच कर जितना दूर हो सके इसको कर लेना है। देन नीचे अप्लाई टू ऑल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो सारे फोटोज के ऊपर जिटर आप इफेक्ट ऐड हो जाएगा। इस तरह से पहले आप लोगों को कर लेना है। देन यहाँ पे जो आपका फर्स्ट फोटो है इसके ऊपर आना है, देन इसके ऊपर जो इफेक्ट है इसको चेंज करना है। तो फर्स्ट फोटो के ऊपर पहले आ जाइए, नीचे फिर से इफेक्ट्स ऑप्शन के ऊपर क्लिक करिए। देन इधर से इफेक्ट को चेंज करके आप लोगों को जूम आउट इफेक्ट को सिलेक्ट करना है, नीचे सिर्फ राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके बैक कर देना है। तो इस तरह से आप लोगों को फोटोज के ऊपर इफेक्ट को ऐड करना है।
तो फोटोज के ऊपर इफेक्ट ऐड हो जाने के बाद आप लोगों को नीचे बहुत सारा प्लस ऑप्शन देने को मिल जाएगा। तो कोई भी एक प्लस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे फिर से बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, थोड़ा सा खींच करके आप लोगों के पे लाइट इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। नीचे ड्यूरेशन को एकदम माइनस करके नीचे अप्लाई टू ऑल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे ऐड कर लेना है। देन आप देख सकते हो आपका जो वीडियो या प्रीव्यू का जैसा बनकर तैयार हो जाएगा। अब इधर से इसको सेव करने के लिए ऊपर में एरो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आए। वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।